तो ये है अक्षय श्रीवास्तव ऑफिशियल, और ये भाई हैं जो इन्होंने हमें कमेंट किया था कि ये ट्रांसलेट 9th क्लास के रजिस्ट्रेशन में इसने कोई अपना जीमेल दिया हुआ था और ये उस जीमेल आईडी को भूल गए हैं, लेकिन किसी कारणवश अब आपको जो है उसी जीमेल आईडी का ज़रूरत है और आप उसके ढूंढना चाहते हैं, लेकिन आप वो चीज़ आपने बहुत ट्राई किया और आपको शायद जीमेल आईडी नहीं ऊपर हो रहा है, तो आपने हमें कमेंट किया और दोबारा से भी आपने कमेंट किया था प्लीज़ ब्रो जल्दी करो। सो मैं पर्सनली ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो जीमेल आईडी मिल सके। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और उम्मीद है कि आपको हेल्प भी मिलेगा अपने जीमेल आईडी को ओपन कर लेने। बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका जीमेल आईडी आप कभी भी बनाए हो, और आपका हो सकता है जीमेल आईडी बनाते समय आपने कोई नंबर ही नहीं दिया, विदाउट नंबर का भी जीमेल आईडी बनता है, तो हो सकता है उस नंबर से लॉगिन ना हो और आपने कोई जीमेल आईडी से अटैच करके जीमेल आईडी बनाया हो, तो मैं सब तरीके से बताऊंगा आप कैसे जीमेल आईडी को सर्च कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले जीमेल आईडी को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा ऐड अनदर अकाउंट का, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गूगल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ईमेल और फ़ोन का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे फॉरगेट ईमेल वाला ऑप्शन है, आपको फॉरगेट ईमेल वाले पे क्लिक करना है। ध्यान दें फ्रेंड्स, फॉरगेट ईमेल का मतलब होता है आपने पासवर्ड नहीं भूला है, आपने ईमेल आईडी ही भूल गया, तो आपको उस ईमेल आईडी को पता करना है कि उसका ईमेल आईडी है क्या। जब ईमेल आईडी पता रहेगा तभी तो आप पासवर्ड को ढूंढ पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से फॉरगेट ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। फॉरगेट ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल दो ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप फ़ोन नंबर से अगर आपने ईमेल आईडी बनाया होगा तो फ़ोन नंबर से भी आपका ईमेल आईडी मिल जाएगा, और अगर आपने ईमेल से बनाया होगा तो ईमेल से भी मिल जाएगा। मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा और आपको उम्मीद है कि आपका जीमेल आईडी जो गुम हुआ है नहीं पता चल रहा है वो चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको अपना नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको ध्यान रहेगा आपको वही नाम डालना है जो आपका नाम है। ऑब्वियसली अगर आप यूट्यूब चैनल हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, तब तो आप अलग अलग नाम से जिस नाम से चैनल बनाए होंगे वो नाम आपको डालना है, लेकिन अगर आप यूट्यूबर नहीं हैं, एक नॉर्मल हैं पर्सन हैं और आप अपने पर्सनल के लिए जीमेल आईडी बनाए हैं तो आप अपना नाम ही उसमें डाले होंगे, तो जो आपका फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर डाल देंगे और जो नीचे है लास्ट नेम है उसमें आप डाल देंगे। तो चलिए मैं दोनों ही डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं नाम डाल दिया हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी जाने के लिए यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है, आप सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे नंबर पे ओटीपी आ गया, और ओटीपी आने के जस्ट बाद ही दिखा दिया कि मेरे नंबर पे कितने जीमेल आईडी है। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने पहले भी बताया था इस तरीके को, तो आपको कैसे अपने नंबर से पता करना है कि आपके उस नंबर पे, इस तरह से फ्रेंड्स क्या करना है, आपके पास जितने नंबर है, आपके पास जो भी घर में नंबर है, हो सकता है आपने कोई अलग, आपके पास जो नंबर है उस समय आपने दूसरे नंबर से ईमेल आईडी बना दिया और आपको याद ना हो, या आपके पास और कोई नंबर, जो भी नंबर है सब नंबर को इसी तरह से डाल के मतलब चेक करना है। अगर फिर भी आपका ईमेल आईडी नहीं मिला है तो अब मैं आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ। तो फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपने नंबर डाला था यहाँ पे आपको नंबर नहीं डालना है। यहाँ पे क्या करना है देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर डाला, यहाँ पे नंबर नहीं डालना है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना जीमेल आईडी डालना है। क्या पता आपके पास जो जीमेल आईडी है आप उस जीमेल आईडी से ही आप अपना जीमेल क्रिएट किए होंगे, और जब आप जीमेल आईडी में जाकर के दूसरा जीमेल को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड होता ही नहीं है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर आपके ईमेल आईडी में फ़ोन नंबर ऐड नहीं है तो कैसे ऐड करना है, लेकिन फिलहाल पहले मैं आपको जीमेल के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको अपने जीमेल को ढूंढना है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल के देख लिया, मुझे वो जीमेल आईडी नहीं मिला, तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे अपना जीमेल आईडी डाल देना, जो आपके पास जितने भी जीमेल है आप सब जीमेल को एक एक बार डाल के ट्राई कीजिए। उसके बाद उस जीमेल से अगर अटैच होगा वो जीमेल आईडी जो आपने ढूंढना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं फिलहाल डाल के देखता हूँ। तो इस तरह से जीमेल आईडी डालने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा जो भी जीमेल आईडी का होगा आपका, और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स इस जीमेल आईडी पे मेरा, मैंने इस जीमेल आईडी से कोई भी अदर अकाउंट बनाया ही नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ शो नहीं कर रहा है। तो चलिए अब मैं दूसरा जीमेल आईडी को फिर से डालता हूँ, इस जीमेल आईडी पे नहीं है, तो मैं अब यहाँ से फिर दूसरा जीमेल आईडी डाल के देखता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दूसरा जीमेल आईडी डाल दिया और देखता हूँ उस पर है या नहीं, तो यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ।
नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको वही नाम डालना है जिस नाम से आपका जीमेल आईडी बना हुआ था और वो गुम हो चुका है। तो मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नो अकाउंट फंड दिखा रहा है, क्योंकि मैं जितना भी जीमेल आईडी को बनाता हूँ उसमें मैं नंबर ऐड करता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि अगर बाद में जीमेल आईडी अगर मैं पासवर्ड भूल गया तो मुझे उसी नंबर से वो रिकवर हो पाएगा। क्योंकि अगर आप जीमेल आईडी से दूसरा जीमेल आईडी कोई भी बनाते हैं और बाद में पहले वाला जीमेल आईडी अगर डिलीट हो गया तो जो आपने उस रिकवर वाले अकाउंट से जितने जीमेल आईडी बनाए हैं बाद में पासवर्ड को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास जितने भी जीमेल आईडी हैं आप उसको यहाँ पे डाल के देखिए, हो सकता है उससे आपका मिल जाए। नंबर डाल के देखिए जितने नंबर हैं, वो सब नंबर डालने के बाद ही यही सब ऑप्शन है जिस तरह से आप अपने पुराने जीमेल आईडी को ढूंढ सकते हैं। और तो शायद मुझे तो कोई तरीका ऐसे और भी नहीं पता है, इस मुझे इतना तो पता है कि अगर आप मोबाइल नंबर से ढूंढ सकते हैं या फिर आप ईमेल आईडी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप मतलब नेक्स्ट में अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गलती ना हो तो आप जो भी ईमेल आईडी बनाते हैं उसे नंबर से ऐड कीजिए, नंबर से बनाइए। और अगर आपको नंबर ऐड नहीं करना आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने जीमेल आईडी में नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर आपका जीमेल आईडी में नंबर ऐड है फिर आप दूसरा नंबर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।